नमस्कार, आज ये संडे है और आज अपन बात करेंगे अध्यात्म के विषय। हर संडे मैं आपके लिए अध्यात्म का विषय लाता रहता हूं। आज अपन बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण को उनके सबसे अति प्रिय बांसुरी आखिर किसने दी। आपने देखा होगा उनके पास हर वक्त बांसुरी रहती है, तो ये बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को किसने दी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार द्वापर युग में श्री कृष्ण धरती पर जन्म लेते हैं असुरों का संहार करने के लिए। जब वो धरती पर जन्म लेते हैं ना, तो उनके बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए सभी देवी देवताएं बार बार दर्शन करने के लिए धरती पर आते हैं। तब ये सब चीजें भगवान शिव भी देखते हैं, तो भगवान शिव सोचते हैं कि यार मैं भी अपने प्रिय भगवान विष्णु के दर्शन करने धरती पर जाता हूं। लेकिन जब वो सोचते हैं कि अगर मैं धरती पर जाऊंगा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए, तो उनको उपहार स्वरूप कुछ न कुछ देना चाहिए मुझे, खाली हाथ मैं भगवान श्री कृष्ण से कैसे मिलने जाऊं। तभी भगवान शिव को याद आता है कि उनके पास दधीच ऋषि की हड्डियां पड़ी हुई। दधीच ऋषि वही थे जिन्होंने धर्म के लिए अपने शरीर दान दिया था। उनकी हड्डियों से भगवान विश्वकर्मा ने तीन धनुष का निर्माण किया था। इसमें एक पिनाक, सारंग और गांडी। इसके अलावा भगवान विश्वकर्मा ने इंद्र का वज्र भी इन्हीं हड्डियों से बनाया था। तो भगवान शिव सोचते हैं क्यों नहीं इन्हीं हड्डियों से मैं ऐसी कोई प्यारी वस्तु बनाऊं भगवान कृष्ण के लिए, जो सदैव वो अपने पास रखें और उनके प्रिय हो जाए। तो भगवान शिव महर्षि दधीच ऋषि की हड्डियों को घिसकर एक मनमोहक और प्यारी बांसुरी का निर्माण करते हैं। और जब भगवान शिव भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए धरती पर जाते हैं, तो उनको उपहार स्वरूप वो बांसुरी उनको भेंट करते हैं। जब वो बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को भेंट करते हैं ना, तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। तब से वो बांसुरी भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय हो जाती। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय भगवान होते हैं भगवान शिव। भगवान शिव की कोई भी दी हुई वस्तु भगवान श्री कृष्ण के प्यारी हो जाती। तभी से लेकर आज दिन तक जब कभी भी आपने भगवान श्री कृष्ण के रूप देखे होंगे, उन रूप में उनके पास में बांसुरी अवश्य होती है। इसी के साथ आज यही मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और ऐसे ही आध्यात्म के विषय के वीडियो आपको हर संडे